प्रोफेसर भावना चौहान एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री सेंट मेडिकल कॉलेज तो चीफ गेस्ट आ चुके हैं और जैसा कि आप सबको पहले से बताया गया है कि कैट वन का जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में जिसने भी पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने वालों में जो रैंक होल्डर्स हैं उस रैंक होल्डर्स का अभी सम्मान समारोह होना है और जो लोग जीत गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं जीते देखिए ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो छोटी छोटी सफलताएं हैं यही छोटी छोटी सफलताएं आने वाले समय में जो बड़ी सफलताएं होती है उन बड़ी सफलताओं की इबारत लिखता है ना। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, कि लगातार आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है और तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरणी बोधता, यानी उठो जागो और प्रयत्न करो, तब तक प्रयत्न करो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हासिल नहीं हो जाता है। और सामान्य तौर पे होता क्या है कि बहुत सारी संस्था वगैरह होती है, हम लोग भी डिफरेंट संस्था में काम किया है और वहाँ से जो अच्छाइयाँ जो कमियाँ नज़र आई उन अच्छाइयों के साथ आया, कमियाँ छोड़ने के लिए ही हम सब ने वास्तव में हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और हम सब के जो अनुभव थे, हम सब ने जो कमियाँ देखी जो हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे रहकर नहीं दे पा रहे थे, हम सब ने फिर से एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जहाँ पर उन कमियों से मुक्त अच्छाइयों को और दोगुना तिगुना चौगुना करते हुए हम अपने संस्था में आए हुए स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है हम क्या कर सके, उनके लिए कार्य कर सके, उनकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। बेरोजगारी जो भारत का है एक बहुत बड़ा दंश है, बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल रिलेशन तो है, कहीं ना कहीं भाई आप पैसा देते हो फिर आते हो संस्था में फिर हम लोग पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो, कहीं ना कहीं प्रोफेशन जो है वो क्या है कि कहीं ना कहीं उससे हमारा जो रिलेशन है वो स्टार्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इमोशनल तो है ना, हर जगह पे कहीं ना कहीं पैसा जो है वो जीवन रूपी गाड़ी है, उसके लिए ईंधन का काम करता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, उस आपने जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आते हो उन उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें और साथ में आपको उस लक्ष्य तक पहुँचा सके, यही तो कोशिश होनी चाहिए और इसी कोशिश के अंतर्गत ही ये सारी कोशिशें जो लगातार आप देख रहे हो कैट वन के और कैट टू में देख रहे हैं, इसी तरह से ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम लगातार बनता चला जाएगा। और मैंने आज इसीलिए आप सब हमें रोज़ सुनते हैं, हमें रोज़ देखते हैं हम सबको, लेकिन हमें ये लगा कि नहीं, पारितोष जो वितरण समारोह है उस समारोह में भी कुछ जो इलाहाबाद के जाने माने जो हस्ती हैं उन हस्तियों से भी आपका रूबरू आपका परिचय कराना और अपना आशीर्वचन, ये सब भी बहुत अनुभवी हैं, ये लोग भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देते रहे फिर कॉलेज में फिर प्रोफेसर हो गए, कहीं ना कहीं जो है तो इन सब का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, इनके समय का स्वरूप कुछ और था, आज स्वरूप कुछ बदल गया है, वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काउंट करता है, तो इनके भी एक्सपीरियंस का संसर्ग आपको मिल सके, उसका अनुभव हासिल कर सके और इसीलिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हम सब लगातार आयोजित करते रहे। तो मैं चाहूँगा सुनील द्विवेदी सर का कि सर वो वहाँ से लेता है वो, हाँ, मैं चाहूँगा कि माननीय अतिथि महोदया का आप बुके देकर उनका सम्मान करिए और तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये एक जो औपचारिकताएं होती है ये तालियां जो है वास्तव में हम सब ने प्रशंसा के काबिल ये जो लोग होते हैं वो सब के लिए तालियों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये तालियां हम सब के लिए इतनी बज चुकी है कि ये सामान्य सी बात लगती है, बट कभी ना कभी चाहे हम सब जितने पुराने हो जाएं लेकिन ये तालियां इसलिए बजती रहनी चाहिए ताकि हम सब के जो अपने कार्य उनका एप्रिसिएशन मुझे लगे, हम सबको लगे कि नहीं हम जो कार्य कर रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं जो है उसको आप ओके टेस्टेड बता रहे हो, है ना, ये तालियाँ इस बात का भी परिचायक होता है। तो मैं चाहूँगा